नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CS फेल हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, तथा जितने भी भारत के मतदातागण हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। दोस्तों, भारत सरकार ने फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए तथा दोहरे मतदाताओं को रोकने के लिए सभी मतदाता पत्र को यानी सभी वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का आदेश जारी किया है, और यह अनिवार्य है। सभी व्यक्तियों को अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE की पल पल की खबरें मिलती रहती है, तथा जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कैसे अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करवाया जाएगा और क्यों ऐसा करना अनिवार्य है। दोस्तों, अब सभी व्यक्तियों को अपने वोटर कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा, आधार से लिंक करवाना अनिवार्य हो जाएगा। यदि वे आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो उनका जो वोटर कार्ड होगा उसे रद्द कर दिया जाएगा और वे वोट नहीं दे पाएंगे, मतदान नहीं कर पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, यह एक पेपर का कटिंग है। इसमें दिया गया है, मतदाता सूची को आधार से जोड़ने वाले बिल पर मुहर लगा। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में चुनाव संशोधन विधेयक 2021 पारित हुई, जिसमें मतदाता सूची को आधार से जोड़ने वाले बिल पर मुहर लगा दिया गया। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं तब आपको पढ़ के सुनाते हैं। विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच लोकसभा ने चुनाव संशोधन विधेयक 2021 पर सोमवार को मुहर लगा दिया। विधेयक में मतदाता सूची में दोहरा या फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव है। सरकार शीत सत्र में इसे राज्यसभा में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस विधेयक पर मुहर लगा दी, इस विधेयक को मंजूरी दे दी। आप देख सकते हैं कि अब आपको अपने पहचान पत्र को, मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करवाना होगा, और इसमें VLE को फायदा ये होगा कि बहुत सारे गांव में लोग हैं जो स्वतः इस काम को नहीं कर पाएंगे और वे CSE सेंटर पर ही जाकर इस काम को कराएंगे, जिससे VLE भाइयों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा और अब फर्जी मतदाता को भी रोका जा पाएगा। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने पहचान पत्र को आधार से स्वतः लिंक कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय VLE साथियों।